आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि मैं अपने फोटोज को या वीडियोज को कैसे एडिट करती हूँ। स्पेशली फोटोज के लिए मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे एंड उसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया है जो मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी एंड आई बटन पे भी मैं दे दूंगी, तो आप जाके प्लीज उस वीडियो को देख लीजिए अगर किसी को पता नहीं है, और मैंने वीडियो बनाया है ऑलरेडी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको उन सारे एप्स के बारे में बताऊंगी जो भी मैं अपने वीडियोज के या फोटोज के एडिटिंग के लिए यूज करती हूँ, लाइक एवरी मतलब थंबनेल से लेके पूरी एडिटिंग से लेके सब तक, जो भी मैं फिल्टर वगैरह जिसके लिए भी मैं एप्स यूज करती हूँ, उन सारे एप्स के बारे में आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो हाय गाइस, आई एम जानवी, वेलकम टू माय चैनल एंड मैं वीक के हर थर्सडे को फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पोजेस, रिक्रिएशन, स्किन केयर, इन सारे टॉपिक्स पर वीडियोस बनाती हूँ। तो अगर आपको इनमें कोई भी इंटरेस्ट है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड उस बेल बटन को दबाइए ताकि जब भी मेरा वीडियो नया वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नाउ लेट्स स्टार्ट द पिक्चर्स के एडिटिंग के लिए मैं जो एप्स यूज करती हूँ वो मैं उस वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इसलिए मैं एक शॉर्ट में आपको उन एप्स के बारे में बताऊंगी। जो फर्स्ट ऐप मैं यूज करती हूँ एडिटिंग के लिए वो है Lightroom। नाउ Lightroom से पहले अगर आपको पिक्चर्स क्लिक करने के लिए आपके पास कोई इक्विपमेंट नहीं है, लाइक रिंग लाइट या फिर आपके यहाँ पे नेचुरल लाइट का भी कोई सोर्स नहीं है या फिर आप नहीं बाहर जाके पिक्चर्स क्लिक करते, तो आपके पिक्चर्स अच्छे आने के लिए आप कोई भी ब्यूटी ऐप यूज कर सकते हैं, जो ब्यूटी कैमरा होते हैं उनसे पिक्चर्स बहुत अच्छे आते हैं। तो अगर आपको चाहिए तो आप प्ले स्टोर से वैसा कोई भी ऐप यूज कर सकते हैं, उसको डाउनलोड करके आप उसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि उससे पिक्चर्स बहुत अच्छे से क्लिक होते हैं एंड बाद में एडिटिंग के लिए भी अच्छा पड़ता है। तो या कोई भी वैसा ऐप आप यूज कर सकते हैं। नाउ स्टार्टिंग विद द Lightroom, जो फर्स्ट ऐप मैं यूज करती हूँ वो Lightroom है। Lightroom से मैं अपनी पूरी एडिटिंग करती हूँ, लाइक कलर चेंज हो या जो भी हो, उस वीडियो में मैंने बताया है डीप में उसको, मैंने पूरा एक पिक्चर को एडिट करके दिखाया है, तो जाके जरूर देख लीजिए। Lightroom इज फर्स्ट, देन उसको कुछ अलग इफेक्ट्स देने हो तो उसके लिए मैं PicsArt का यूज करती हूँ। अगर बैकग्राउंड चेंज करना है या मुझे बैकग्राउंड को ब्लर करना है या ऐसा कुछ भी है या कोई और इफेक्ट देना है तो उसके लिए मैं PicsArt का यूज करती हूँ। एंड थर्ड इज लाइक नॉट दैट मच, मैं उतना यूज नहीं करती हूँ उस पर, बट स्नो एक ऐप है जिसका आइकॉन यहाँ पे होगा, तो स्नो को भी आप जाके यूज कर सकते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे फिल्टर्स हैं, तो उन फिल्टर्स से आपके पिक्चर्स को आप एस्थेटिक इफेक्ट्स दे सकते हैं या फिर ऐसा, तो स्नो का यूज आप उसके लिए फिल्टर्स के लिए कर सकते हैं स्पेशली। नाउ एक एडिशनल मैं आपको बताना चाहूंगी इसमें कि जब आप पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एक आउटफिट की जरूरत पड़ेगी जो अच्छा लगता हो, तो आउटफिट के लिए मैं नॉर्मली पिंटरेस्ट पे जाती हूँ एंड उस पर सर्च करती हूँ कुछ अगर मुझे, तो वहां से मुझे आउटफिट की इंस्पिरेशन मिलती है। ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो पिंटरेस्ट का यूज करते हैं इंस्पिरेशन के लिए, तो अगर आपको पता नहीं है तो आप पिंटरेस्ट को डाउनलोड कर लीजिए एंड उससे आपको बहुत सारे आइडियाज मिल जाएंगे। नाउ कमिंग टू द वीडियोस की एडिटिंग, तो वीडियोस की एडिटिंग के लिए फर्स्ट तो शूट के लिए मैं अपना फोन यूज करती हूँ जो कि 1+6, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा है ये कि आप कौन सा कैमरा यूज करते हो, तो मेरे पास कोई ऐसा कैमरा नहीं है, मेरा मोबाइल है 1+6, उससे मैं अपने वीडियोस एंड पिक्चर्स दोनों क्लिक करती हूँ एंड एडिटिंग भी मैं उसी से करती हूँ। तो एडिटिंग के लिए नाउ कमिंग टू द एडिटिंग वीडियो की, तो एडिटिंग के लिए मैं फर्स्ट जो ऐप यूज करती हूँ वो है VLLO। लाइक VLLO से पहले जब मुझे पता नहीं था तब मैं Kinemaster यूज करती थी, जैसे कि बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर इसको यूज करते हैं। मैंने Kinemaster को यूज करना इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसका वाटरमार्क आता है एंड वाटरमार्क हटाने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, पे करना पड़ता है, एंड मुझे एक्चुअली अभी तो मैं उतना कमाती नहीं हूँ, तो मुझे मतलब कुछ भी कमाती नहीं हूँ, तो ऑब्वियसली मैं इतना उस पर नहीं करना चाहती थी खर्चा, तो इसलिए मैंने नहीं लिया उसका। उसके इंस्टेंट मुझे एक और ऐप मिला जो कि है VLLO। VLLO में आप जब एडिटिंग करते हैं उसमें बहुत ज्यादा फीचर्स नहीं है, बट आपको एक वीडियो एडिटिंग के लिए जितने फीचर्स चाहिए उतने फीचर्स है उसमें एंड ये बहुत अच्छा ऐप है एंड इसमें उसका जो वाटरमार्क होता है उसमें वाटरमार्क भी नहीं आता, तो वो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। जो भी जिनके पास भी लैपटॉप नहीं है या जो भी है ज्यादा कुछ मतलब पे नहीं करना चाहते उनके लिए, तो उनके लिए अच्छी बात है, तो मैं VLLO यूज करती हूँ। नाउ इसके बारे में इस वीडियो में अगर आपको चाहिए कि मैं प्रॉपर एडिटिंग के बारे में या VLLO ऐप के बारे में सब कुछ बताऊँ तो आप उसको इसके लिए कॉमेंट कर सकते हैं, जिससे मैं जाकर आपके लिए एक और वीडियो बनाऊं जिसमें मैं डिटेल में दे दूंगी। तो आज मैं सिर्फ एप्स बताने वाली हूँ जो भी मैं यूज करती हूँ। तो फर्स्ट इज ऑफकोर्स VLLO, देन सेकेंड जो मैं
इंस्टाग्राम के रील्स को एडिट करने के लिए यूज करती हूँ, वो उसके लिए मैं इनशॉट को यूज करती हूँ, या फिर मेरे जो शॉर्ट वीडियो है यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए भी मैं जो यूज करती हूँ वो इनशॉट को करती हूँ, क्योंकि उसमें ट्रांजिशंस बहुत अच्छे से होते हैं एंड आप अच्छे से कर पाते हो तो वो मुझे ज्यादा इजी लगता है, एंड इसलिए मैं इनशॉट को यूज करती हूँ। तो अगर आपको शॉर्ट वीडियोस को एडिट करना है तो आप इनशॉट का यूज कर सकते हैं, उसमें भी आपको वाटरमार्क हटाने के लिए एक ऐड देखनी पड़ती है, दैट इज नॉट अ बिग डील। ओके, तो आप उसको यूज कर सकते हैं शॉर्ट वीडियोस को एडिट करने के लिए, क्योंकि मैं यूज करती हूँ उसको। अगेन वन मोर ऐप जो मुझे बताना है वो है स्नो स्नो, जो मैंने अभी बताया आपको पिक्चर्स के लिए। तो जब आप जैसे कि मैं यहाँ पे जब शूट करती हूँ तो उतनी सनलाइट होती नहीं है, ऊपर से मेरे पास कैमरा नहीं है, मेरे पास नॉर्मल मोबाइल है मेरा, उसमें से उतनी लाइट भी नहीं ये होती है, एंड ज्यादा कुछ लाइट का सोर्स नहीं है मेरे पास। तो कभी कभी मेरे वीडियोस बहुत ज्यादा ब्लैक आते हैं या ऐसा कुछ होता है, तो उनको थोड़ा इफेक्ट देने के लिए मैं उनमें फिल्टर का यूज करती हूँ। उन फिल्टर्स के लिए मैं स्नो में जाती हूँ, मैं स्नो का यूज करती हूँ, उसमें बहुत अच्छे फिल्टर्स हैं, वो आपको नेचुरली ऐसा मतलब ज्यादा कुछ ओवर ना करते हुए नेचुरली अच्छे से देता है आपको आपके वीडियोज को एक अच्छा सा फिल्टर, जिससे वीडियो अच्छे लगते हैं। तो आप स्नो का यूज कर सकते हैं फिल्टर्स के लिए। नाउ कमिंग टू द थंबनेल्स, थंबनेल्स बनाने के लिए अगर कोई बेस्ट ऐप होगा तो वो है कैनवा। यू शुड यूज अगर आपको थंबनेल का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि थंबनेल बनाने के लिए फिर क्या ले, कैसे पिक्चर्स, क्या बहुत सारी बातें होती है, तो कैनवा आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। उसमें अगर आप जाके वहां पे यूट्यूब थंबनेल सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे आइडियाज, और उसमें बस पिक्चर इम्पोर्ट करके एंड आप अच्छा सा थंबनेल बना सकते हैं। तो गो फॉर इट, कैनवा इज द बेस्ट फॉर योर थंबनेल की एडिटिंग। देन अगर थंबनेल के लिए आपको एक अलग कुछ चाहिए तो आप पिक्सल लैब का यूज कर सकते हैं, पिक्सल लैब में भी बहुत अच्छे से एडिटिंग होती है थंबनेल की। तो या वो एक बहुत अच्छा ऐप है आपके एडिटिंग के लिए थंबनेल की। तो या दैट्स द ऐप जो मैं यूज करती हूँ अपनी एडिटिंग के लिए फोटोज और वीडियोज के लिए। शॉर्ट में मैं आपको पूरे एक साथ बता देती हूँ, वीडियोज के लिए VLLO, इन शॉर्ट देन वीडियोज के थंबनेल्स के लिए कैनवा एंड पिक्सल लैब, पिक्चर्स के एडिटिंग के लिए Lightroom, पिक्सार्ट एंड Pinterest कुछ इसके लिए, एंड ब्यूटी का कोई भी कैमरा वाला ऐप आपके पिक्चर्स को क्लिक करने के लिए। सो या दीज आर द एप्स। अगर आपको और कोई इन्फॉर्मेशन डीपली इनमें से किसी भी ऐप के बारे में या इन सारे ऐप्स के बारे में कोई भी डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं आपको दिखा बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपके लिए वो भी वीडियो बना दूंगी जिसमें मैं डिटेल में आपको इनमें से जिस भी ऐप के लिए आपको चाहिए, इन सारे ऐप के लिए भी होगा तो भी मैं उनको डिटेल में आपको बता दूंगी कि मैं कैसे एडिटिंग करती हूँ, या फिर आप कैसे फीचर्स को यूज कर सकते हैं उसमें। तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको इसकी कोई भी जरूरत है। तो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड या 1000 होने वाले हैं जल्दी, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं इस चैनल पे एंड आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो मुझे बहुत हेल्प होगी। एंड या दैट्स इट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू।